नमस्कार साथियों साथियों स्वागत है आपका अपने चैनल ओमवीर सिंह गार्डनिंग एंड फार्मिंग में। देखिए जो आप रसीला रस भरा ये एक स्वादिष्ट सा फल देख रहे हैं ना, ये है पाइनएप्पल, अनानास। अनानास देखिए घरों में हम लोगों के आता ही रहता है, लेकिन हम फल को खा के और उसका जो क्राउन है उसको फेंक देते हैं। देखिए आज मैं लेके आया हूँ, ये हमारे यहाँ पे भी आता रहता है। और हम क्या करते हैं, जो इसका ऊपर का पत्तियाँ देख रहे हैं ना, इसको कहते हैं क्राउन और नीचे है फल। तो बस हम थोड़ा सा ये देख के लाते हैं कि इसमें जो नीचे की पत्तियां हैं उनमें जड़ें होनी चाहिए। इसमें पत्तियों के अंदर कुछ जड़ें अगर दिखाई देती हैं तो वो जल्दी से ग्रो हो जाता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि इसको अनानास को, ये देखिए इसमें कुछ आपको पत्तियों के बीच में से झाँकती हुई नज़र आएंगी जड़ें। तो यही मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि जो जड़ें हैं उनसे, उन्हीं से ये ग्रो करता है। तो ये जो क्राउन है ये सकर से भी उग जाता है और क्राउन से भी। तो फल को आप खा लीजिए, नीचे से फल को तो खा लीजिए, लेकिन जो इसमें ऊपर का हिस्सा है जिसे हम क्राउन बोल रहे हैं उसको हम अपने गार्डन में ग्रो कर सकते हैं। अब कई बार ये होता है कि ये पौधा होता है कि पेड़ होता है जिस पे ये अनानास लगता है। ये बहुत ज़्यादा बढ़ता नहीं है, आराम से हो जाता है, और छोटा ही बहुत ज़्यादा बड़ा वो पौधा नहीं होता, इसका पेड़ नहीं होता बहुत बड़ा। देखिए जड़ें दिखा रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ जड़ें कि जब आप लें तो अगर आपको उगाना है घर में या खाना है तो कोई बात ही नहीं, लेकिन उगाना है तो पत्तियों को हटा के देख लें, उसमें जड़ें दिखती हों तो फिर ये आसानी से चल जाता है। और इसको पकड़ के ऊपर को जैसे कैसे उगाना है वो तरीका बता रहा है, ऐसे थोड़ा सा घुमाइए तो ये आराम मूव करेंगे, अगर घुमाएंगे तो आराम से ये अलग हो जाता है। तो ये देखिए अलग हो गया नीचे से ये, और इसमें देखिए अभी भी जड़ें ऊपर दिखाई दे रही हैं इसमें आराम से। तो ये ही जड़ें हमारी इसको आगे, अब इसमें जैसे हमने ये कर लिया, अब मैं इसको एक महीने, लगभग एक महीना पहले 20 अगस्त को भी मैंने ऐसे ही एक फल लाया था मैं अनानास का, और उसको मैंने ऐसे ही तोड़ के और उसकी ये पत्तियां हटा के और डायरेक्ट सीधे एक गमले में जिसमें हमने जो वेल ड्रेन सॉइल ली थी उसमें उसको लगा दिया था। उसको भी मैं दिखाऊंगा कि एक महीने के बाद, मतलब 20 अगस्त को लगाया था तो एक महीने से कुछ ज़्यादा हो गया। ये असल में स्लो ग्रोइंग प्लांट है, बहुत सीधी में चलता है, और इसमें फल ना 1 से 3 साल के बीच में आता है, 1 साल में भी आ जाता है, 2 में भी 3 में, इस तरह वेराइटी वाइज इसकी स्पीसीज के वाइज दो अलग अलग इनमें वेराइटीज़ होती हैं, उनके अनुसार ये आता है इसमें फल। तो इसमें क्या करता है, जैसे हमने क्राउन को हटा लिया फिर इसके नीचे की पत्तियां हटा देते हैं नीचे की, और अगर आपको जल्दी ग्रो करना है, जल्दी इसको उगाना चाहते हैं तो इसको इसके नीचे की पत्ती हटा के और 2 दिन ऐसे ही रख दीजिए। इसमें जो नीचे का पोर्शन है जहाँ से ये टूटा है अलग हुआ है, देखिए कितनी सारी जड़ें उसमें दिखाई देने लगी, पत्तियों के अंदर रहती है जो दिख नहीं रही थी, मैं कोशिश कर रहा था, अब ये हटा देंगे तो इसमें काफ़ी जड़ें देंगे। तो 2 दिन रख दीजिए तो कैलस इसमें फॉर्मेशन हो जाएगा, कोला कैलस बन जाएगा, फिर फंगस के ग्रो होने के चांसेस कम हो जाते हैं अगर 2 दिन हम इसे सूखने को रख देते हैं। फिर इसको हम क्या करेंगे कि इसको पानी में रख देंगे, जो जड़ों वाला हिस्सा है इसको एक पारदर्शी हमारा बर्तन लेके, शीशेनुमा ग्लास लेके कोई, और उसमें पानी में इसको रख देंगे। तो ये जड़ें इसमें निकलनी शुरू हो जाएंगी जब, और जब 4-5 इंच की जड़ें, 4-5 सेंटीमीटर की कुछ लंबी सी जड़ें निकल आए तो तब हम पौधे को अपने पोट में ट्रांसफ़र कर देंगे जिसमें हमारी वेल ड्रेन सॉइल होगी, और ये फिर आराम से अपनी ग्रोथ करता है और 1 साल में ये पौधा पूरा हो जाता है। देखिए हमने ये नीचे की पत्तियाँ सब हटा ली, नीचे की पत्तियाँ हटने पर ये जो पोर्शन निकला इसको बस जड़ों वाला इसको हम पानी में डुबो देंगे। अब देखिए देखिए कितनी स्पष्ट इसमें जड़ें इसके नीचे वाले पोर्शन में दिखाई दे रही हैं, तो जो फल के ऊपर जुड़ा होता है, एक्चुअली इसका फल जो होता है ना करीब 200 फूल मिलके इसका एक फल बनाते हैं। अब देखिए इसको हमने जो नीचे की पत्तियां इसकी रिमूव कर दी, हटा ली, अब एक टोकरी में इसका जो नीचे वाला पोर्शन है उसको ऊपर करके और रख देंगे कुछ दिन के लिए, जिससे इसमें ये आगे से सूख जाए, जो गिल्ला हमारा हिस्सा जहाँ से टूटा है उस पर कैलस फॉर्मेशन हो जाए, अन्यथा इसमें ग्रोथ होने की, फंगस के लगने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। और इसको ऐसे पानी में
पानी में उतना हिस्सा डूबा हुआ होना चाहिए जितने में वो जड़े हैं। ऐसे इसको रख देंगे हम पानी के अंदर, तो ज़्यादा पानी फिर वही फंगस को वो करता है, और इसको कुछ दिन बाद में चेंज कर दे देंगे। जब इसमें जड़ें निकाल आएंगे तो हम इसे पॉट में ट्रांसफ़र कर देंगे। अभी मैंने जो दिखाया वो पानी में उगाने का, पानी में जर्मिनेट करने का, जड़ों को डेवलप करने का तरीका बताया। ये एक महीना मतलब 20 अगस्त को, लगभग एक महीने से ज़्यादा हो गया ये, तब हमने की थी प्रक्रिया। तब हम एक फल लेके आए थे और इसको ये एक थोड़ा सा घुमा के एक तोड़े तो आसानी से टूट जाता है, और ऐसे थोड़ा सा जोर लगाने पड़ते हैं। इसके ऊपर कुछ फलों में पॉइंटों में कांटे से होते हैं, तो इसलिए कुछ कपड़ा लगा लेना सावधानी से, इसको सावधानी से तोड़ देते हैं। इसके नीचे की पत्तियां हटा के हमने इसको डायरेक्ट लगा दिया था, और वो भी बहुत ही अच्छा चल रहा है। मैं अभी उसको आपको दिखा दूंगा कि ये फल जो है, फल आप खाने में इस्तेमाल कर लीजिए। देखिए मैं 20 अगस्त 20/8/2023 को हमने 6:29 पर ये मेरे CP प्लस जो हमारा कैमरा लगा हुआ मेरे टेरेस गार्डन में उससे दिखा रहा हूँ। ये क्रिया हमने की थी कि इसको हमने तोड़ लिया था, और तोड़ के डायरेक्ट हमने एक पॉट तैयार किया हुआ था उसमें इसको हमने लगा दिया था। हमने कोई पानी में नहीं, लेकिन वो मैंने बताया ना, ये देखिए ऐसे लगा के इसमें पानी हमने दे दिया था, ये पानी हमने दे दिया और ये अच्छा चल गया, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। लेकिन अब आज हम दूसरी टेक्निक अपना के देख रहे हैं, उसमें हो सकता है कुछ जल्दी हो जाए। तो ये देखिए ये पानी का लगा जो एक महीने के बाद में स्थिति दिख, ये उस समय की दाएं हाथ पे जो देख रहे दाई तरफ ये तस्वीर है जब हमने ये 20 अगस्त को लगाया था। ये तस्वीर है आज की, ये आज 23 सितंबर की, 23 सितंबर को ये हमारा पौधा इस तरह का डेवलप कर रहा है, धीरे धीरे बढ़वार हो रही है। और इसमें देखिए एकदम इसके जो नुकीले कांटे हैं वो भी क्लियर हो गए हैं, और ये अच्छी ग्रोथ कर रहा है। तो हम दोनों तरीके से इसको अपने घर में ही लगा सकते हैं, तो फिर हमें बाज़ार से इस फल को लाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, जो हमारा रसीला फल होता है। तो ये देखिए मैं आपको इसको पौधा दिखा देता हूँ, ये इतना ही बढ़ता है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता, पेड़ नहीं होता कुछ, इसकी अलग अलग स्टेज हो जाती हैं। ये देखिए हमने फल लिया, क्राउन अलग के दिया, पत्ती रिमूव कर दी, ये तीन स्टेज में हमने किया, फिर बाकी पाइनएप्पल की जो ग्रोथ होती है जिसमें एक टाइम ले लेता है होने में, तो इस तरह हमारा जो पाइनएप्पल होता है उसको हम अलग कर लेते हैं, काट लेते हैं, और उसको फिर पत्तियां रिमूव करके नीचे की पानी में रख देते हैं, इसको हम इस टोकरी में रख देते हैं जो मैंने आज दिखाया, ये हम कुछ दो दिन रखेंगे, उसके बाद पानी में लगा देंगे। और जब जड़ें निकल आएंगी, ये देखिए इस तरह जब 3 इंच की 7 सेंटीमीटर की जड़ें हो जाएंगी, तब इसको पौधे को हम गमले में ट्रांसफ़र कर देंगे, एक साल में फल देने लायक हो जाता है। तो इस तरह मैंने बताया ना कि हम पौधे को ऐसी गड्ढा खोद के उसमें लगा देंगे, तो इस तरह हमें हमारा फलदार अनानास मिल जाएगा। तो साथियों कैसा लगा आज का मेरा वीडियो, थैंक यू।